हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पैटर्न्स सॉल्व कैसे करते हैं, इस पैटर्न्स का लॉजिक कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे इजी पैटर्न आपके सामने है, इसमें हर लाइन में स्टार्स बनाने हैं हमको, लेकिन इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले आप इसकी रोज काउंट करिए, कितनी है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और पाँचवीं रो। और इसमें पैटर्न ये है कि पहली रो में केवल एक स्टार है, दूसरी रो में दो स्टार हैं, तीसरी रो में तीन स्टार हैं, चौथी रो में चार स्टार हैं और पांचवी रो में पांच स्टार हैं। इसका मतलब हमको जिस रो में हम हैं उतने स्टार उस रो में हमको बनाने हैं। और कभी भी पैटर्न्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें मिनिमम दो लूप तो लगते ही लगते हैं, नेस्टेड लूपिंग होती है। पहला लूप हम रो के लिए लगाते हैं और दूसरा लूप हम रो के अंदर कॉलम के लिए लगाते हैं। तो पहला लूप अगर हम रो के लिए लगाएं तो रो हमारे पास कितनी है, एक से लेके पांच तक। तो हम लूप चलाएंगे आई इज इक्वल्स टू वन से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव तक। ये पांच बार चलेगा हमारा लूप, फाइव टाइम्स रन करेगा। तो वन से लेके पांच तक ये हमारा लूप चलेगा। अब हर रो के अंदर, जैसे पहली रो है हमारे पास, तो पहली रो में कितने स्टार हैं आप देख रहे हैं, पहली रो में केवल एक स्टार है, दूसरी रो में दो स्टार है, तीसरी रो में तीन स्टार है। तो हर रो में कितने स्टार्स आने चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम किस रो में हैं, ठीक है। तो अगर हम पहली रो में हैं तो एक ही स्टार प्रिंट होगा। तो हमको अंदर, ये रो वाला लूप था आई वाला, अब हम कॉलम वाला लूप बनाने जा रहे हैं। ये कितनी बार चलेगा, जे वन से लेके कितनी बार चलेगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस रो में हैं। और रो कौन बता रहा है हमको, रो बता रहा है हमको आई वाला लूप। तो हम जे को चलाएंगे लेस देन इक्वल टू आई तक, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर आप सी में चाहें तो आप प्रिंट एफ स्टार लिख सकते हैं, और अगर आप जावा में कर रहे हैं तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार लिख सकते हैं, ठीक। और इस एक रो में जब ये प्रिंट हो जाएगा स्टार सारे, तो अगली रो के लिए आपको चेंज करना है। तो आप लाइन चेंज करने के लिए एक बार खाली एसओपी एलएन लिख दीजिए। जब एक रो पूरी प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो वो लाइन चेंज हो जाएगी उसमें। इसको हम ड्राई रन करा के देखते हैं। मान लीजिए आई की वैल्यू है वन, तो आई की वैल्यू वन के लिए वन इज लेस देन फाइव। अब जे चलेगा वन से लेके वन तक, तो मतलब पहली रो में जे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, वन से लेके वन तक चल रहा है। तो इसमें हम कितनी बार एस्ट्रिक प्रिंट होगा, केवल एक बार एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, जे वन तक चलेगा। जे जैसे ही टू होगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद लाइन चेंज हो जाएगी। अब आई इक्वल टू हो जाएगा टू, आई इक्वल टू टू के लिए जे वाला लूप हमारा वन से लेके टू तक चलेगा। तो दो बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक, जे इक्वल टू वन के लिए और जे इक्वल टू टू के लिए। तो हर रो के अंदर हमने कितनी बार स्टार प्रिंट कराना है वो डिपेंड करता है कि हम किस रो में हैं। इसीलिए हमने अंदर कॉलम वाला जो लूप है जे, उसको हमने लेस देन आई तक चलाया। तो ऐसे हम इसका लॉजिक बनाते हैं। आगे और भी वीडियोज़ हैं पैटर्न्स की, उसे आप देखिए तो आपको और लॉजिक समझ आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।